नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट से पहले निफ्टी की किस तरीके की प्राइस जो है वो प्रिडिक्शन उसको करने की कोशिश हम करेंगे आज के इस वीडियो में। महीने का जो अंत है आज के दिन हमने देखा जनवरी सीरीज की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी, मंथली एक्सपायरी एक नेगेटिव नोट पे निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया, 13,800 के आसपास यहाँ पे निफ्टी में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। इसी महीने हमने एक नए हाई बनाए थे लगभग लगभग 14,750 तक का, 4-5 दिन पहले 21 दिसंबर को, और उसके बाद से लगातार 5 दिनों से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में 14,000 का लेवल भी टूट गया, तो बजट से पहले ये एक प्रॉफिट बुकिंग कही जा सकती है। थोड़ी बहुत जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छी लॉन्ग पोजिशन बनाई थी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, और साथ ही साथ ये भी माना जा सकता है कि जिन लोगों ने ओवर राइटिंग की थी यहाँ पे पुट में ऊपरी लेवल पे 14,400 14,500, जिस तरीके से बाजार रोज का रोज चल रहा था, कहीं पे भी मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आती और पुट राइटर्स के जो कॉन्फिडेंस थे वो सातवें आसमान पे थे कि जहां पे एट द मनी इन द मनी पुट भी अगर आप शॉर्ट कर दे रहे हो तो आपका पैसा गारंटीड बन रहा था। तो यहाँ पे आपको पहला झटका उन पुट राइटर्स को लगता हुआ दिखाई दिया जिन्होंने ऊपरी लेवल के पुट शॉर्ट करके रखे थे, तो फाइनली वो फंसते हुए दिखाई दिए और 14,000 के नीचे जाके एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी। तो कहीं पे भी बाजार ने उनको निकलने का एक भी मौका नहीं दिया और यहाँ पे फाइनली मार्केट की जो गिरावट थी वो यहाँ पे शायद पूरी होती हुई दिख सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए पिछले 5 दिनों में 1,000 अंक निफ्टी ने ऊपर से तोड़ दिए, 14,753 का हाई लगा था लगभग 21 दिसंबर को और आज के दिन का लो लगा है 13,715 का, तो मोटा मोटी ऊपर से यहाँ पे हमने 1,000 पॉइंट तक झटक दिए। और जहां पे हम आज रुके हैं तो एक डोजी कैंडल जैसा आपको देखने को मिल रहा है नॉन डिसाइसिव, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस हाईएस्ट लेवल थे जहां से हमने एक बड़ा करेक्शन देखा था, एक दिन का ही सही लेकिन वो करेक्शन आया था यहाँ पे, जिस दिन निफ्टी ने पिछले महीने 21 दिसंबर के दिन एक ही दिन में लगभग लगभग 600-700 पॉइंट झटक दिए थे। हालांकि उसके बाद से बहुत तेज रिकवरी भी देखने मिली थी। बजट से पहले क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बजट के पहले कहाँ जा सकता है बाजार, कल आखिरी दिन है, फ्राइडे का सेशन है और उसके बाद बजट आएगा सोमवार के दिन। तो बजट इस बार उम्मीद की जा रही है, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 100 साल में पहली बार ऐसा बजट आपको देखने को मिलेगा। वो बजट किस तरीके का होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा कि 100 साल वाला बजट है या 1 साल वाला ही बजट है। तो अब उसकी एक्सपेक्टेशन में जिन लोगों ने यहाँ पे पोजिशन बनानी थी, जो सेलिंग करनी थी, जो प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लगभग शायद होती हुई दिख सकती है और उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बाजार में रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ से लाजमी भी है कि एक बार रिवर्सल आना चाहिए, एक बार फिर से 14,200 14,400 तक के जो लेवल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। चार्ट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा आवरली चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो गिरावट है आवरली चार्ट पे एक तरफा होती हुई दिखाई दी, कहीं से भी कोई साइजेबल रिकवरी जो थी इस बार नहीं आई है पिछले 5 दिनों में। जैसा कि पहले जहां पे भी गिरावट होती थी तो मार्केट लगभग लगभग अच्छा खासा मूवमेंट लेकर रिकवर होता था, लेकिन यहाँ पिछले 5 दिनों में एक तरफा गिरावट जो है देखने मिली। आज के दिन तो एक ओपनिंग भी जो हुई वो गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद कहीं पे भी रिकवरी वाला साइन आपको देखने नहीं मिला और वो गैप जो है अभी भी फिल नहीं हुआ है, यानी कि कल के लो और आज के हाई के बीच कहीं ना कहीं एक गैप बना हुआ है जिसको निफ्टी ने आज फिलहाल फिल तो नहीं किया। अब ये अगर गैप फिल होता है तो निफ्टी ऊपर की तरफ फिर से एक बार अपमूव की साइड ले सकता है। बजट की एक्सपेक्टेशन में आपको वोलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बजट में आपको एक अच्छे खासे अप ट्रेंड भी देखने मिल सकते हैं और साथ फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता आती हुई दिखाई दे, तो वोलेटाइल मूव जो होंगे वो आपको कल और फिर मंडे के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से समझने की कोशिश करें कि आखिर बाजार जिस तरीके से गिरा है तो किस लेवल तक यहाँ पे आपका रिकवरी ले सकता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 23% का जो लेवल निकल के आता है, 13,960 का लेवल निकल के आता है, यानी कि कम से कम 13,960 के आसपास तक निफ्टी को यहाँ पे रिकवरी में जाना चाहिए अगर पहली रिकवरी आती है तो। अगर 23% का लेवल पार होता है तो फिर 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आता हुआ दिख रहा है 14,112 और 50% का जो लेवल है वो लगभग लगभग 14,235 के आसपास, और 14,235 वो लेवल है जहां पे प्रीवियस जो गिरावट आई थी इसके पहले दिसंबर में ये जनवरी के महीने में, वो लेवल भी लगभग यहीं का था जहां पे 14,230 के आसपास हमने निफ्टी का लो बनता हुआ देखा था और उसके बाद एक रिकवरी आई थी और उसके बाद निफ्टी ने एक और नया हाई जो था वो लगाया था 21 जनवरी के आसपास।
तो कहीं ना कहीं एक बार अगर 50% रिट्रेसमेंट होता है तो 14200 14250 तक के जो लेवल्स है वो आपको यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। तो इस लेवल पे आपकी नजर होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको देखना होगा कि बजट किस तरीके का आता है, आगे की जो मूवमेंट है वो किस तरीके की हो सकती है। ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे आपकी निफ्टी के प्राइस की बात, लेकिन क्या यहाँ पे बजट के बाद भी तेजी जो है वो बनी रह सकती है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं पिछले एक सालों में एक अच्छा खासा मोमेंटम जो आ चुका है, मार्केट हैवी वैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक वैल्यूएशन थोड़ा कूल ऑफ नहीं होगा या फिर एक साइजेबल करेक्शन या फिर टाइम वाइज ही करेक्शन की बात अगर हम करते हैं, तो जब तक टाइम वाइज करेक्शन कोई नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे बाजारों को ज्यादा तेजी से भागने में मेरे को उम्मीद कम नजर आती है। यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली भागेगा, आगे चल के भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद जैसे लग रहा है कि हो सकता है बजट से पहले आपको एक बार रिकवरी जरूर देखने मिले, लेकिन वहां पे भी मार्केट में बजट खराब आया तब तो डेफिनेटली मार्केट को गिरना होगा, वो तो गारंटी है। लेकिन अगर बजट में अच्छा भी कुछ आता है तो हो सकता है वहां पे एक बार के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई शायद दिखाई दे। अभी कितने दिन के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसके टाइमलाइन पे कमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि बाजार में जो करेक्शन होंगे वो बहुत शार्प होंगे। हमने देखा पिछले 4-5 दिनों में ही निफ्टी में किस तरीके का किस लेवल का करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। एक्चुअल में सारे के सारे ऑप्शन राइटर्स की जिनकी पोजिशन थी वो ही यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पे फंसते हुए दिखाई दिए, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी वोलेटिलिटी थी तो उसका सीधा इंपैक्ट जो था निफ्टी के प्राइस में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट का टेक्सचर में कोई खास अभी भी चेंज नहीं है। मार्केट का ट्रेंड तब बदलेगा जब यहाँ पे बाजार 13,300 13,200 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ेगा, और इस ट्रेंड लाइन जिसको अभी तक निफ्टी ने लगातार फॉलो किया नीचे की तरफ से, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटती है तो फिर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत गिरावट और भी बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मानते हैं तो 12,800 13,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस जोन होगा जहां पे जाके निफ्टी कहीं ना कहीं आपको एक ठो संभलने की कोशिश कर सकता है। इस रेंज के आसपास अगर आता है तो डेफिनेटली आप फिर बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन बनाया जा सकता है 13,000 12,800 13,000 के बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले बार वहां पे अटैक करने की कोशिश हुआ था। बाजार एकदम से वी शेप में नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी एक तरफा बाजार नहीं गिरेगा, बाजार में अपसाइड डाउन साइड दोनों ही आती रहेगी। और एक वक्त जहां पे हमने बात की थी पिछले वीडियो में 200 EMA लेवल जहां पे भी निफ्टी का आता हुआ दिखाई देगा वो बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट होगा, और उसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अब वो सिर्फ एक ही कंडीशन में टूट सकता है, या तो पूरी इकोनॉमिक साइकिल घूम जाए, और ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता क्योंकि आपने देखा है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगले 2-3-4 साल जो है भारत डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा भारत जहां पे डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक होती हुई दिखाई देगी। और बाजार ने इसी चीज को यहां पे दोस्तों फैक्टर इन करने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। 2003-2004 के बाद जो बुल रैली आई थी उसमें भी यही चीज देखने मिली थी। उसके बाद बाजार ने वहां पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ जो थी वो चौथी क्लॉक करते हुए दिखाई देते, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो अच्छे GDP के नंबर उस टाइम भी पेश करते हुए दिखाई देते। तो वही चीज इस बार भी मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टरिंग करने की कोशिश कर रहा है। आगे चल के कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, EPS बढ़ती हुई दिखाई देगी, सारे कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ेगी, तो ये सारी चीज धीरे धीरे करके अभी से प्राइस में अगर आती है तो डेफिनेटली आगे का जो भविष्य है वो बहुत ही सुंदर हो सकता है। निफ्टी का टारगेट जो है 20-25,000 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो इसी साल मिल जाएंगे ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अगले 2-3 सालों के अंदर में अगर आपको निफ्टी 20-25,000 के ऊपर भी दिखाई देगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बस आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप जो कोई भी पोजिशन ले अपनी पोजिशन साइजिंग पे गौर करें कि आप कितनी पोजीशन संभाल सकते हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका स्टॉप लॉस आपको अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए, और आपकी रिस्क प्रोफाइल आपको याद होनी चाहिए कि भाई आपकी कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, बाजार कहां तक घूमेगा तो आप उसको सहन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वहां से अपनी पोजीशन काटनी भी पड़ सकती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली यहां पे एक SIP ग्रुप में हर एक छोटी छोटी गिरावट जब भी आती हुई दिखती है तो वहां पे आप एक अपना साइजेबल अमाउंट जितना भी चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करना उसको धीरे धीरे करते रहे, डेफिनेटली आपको भविष्य में एक अच्छा खासा लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है निफ्टी में।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की एनालिसिस जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।